नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां शनिवार की शाम कानपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर हादसे में टीम द्वारा धराशायी हुए 3 मंजिला इमारत के मलबे को हटाने का काम आज भी जारी है। इस हादसे में अब तक कुल 8 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। इसी क्रम में आज अपराह्न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकबंधु अस्पताल पहुंचकर भर्ती घायलों का हालचाल लिया। लखनऊ की कानपुर रोड से ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत ढहने के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल लेने आज अपराह्न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकबंधु राजनारायण चिकित्सालय पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल में भर्ती घायलों से भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना और चिकित्सकों से उनके उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जहाँ चिकित्सालय के अधिकारियों ने बताया कि कुशल चिकित्सकों के नेतृत्व में सभी घायलों को समुचित उपचार शीर्ष प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इस कठिन समय में उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। मौके पर सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह, लखनऊ में सुषमा खरकवार सहित लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। घटना स्थल पर SDRF एवं NDRF की टीम का रेस्क्यू जारी है। अब तक बेहोशी अथवा गंभीर रूप से घायल अवस्था में 3 दर्जन से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है। आज सुबह बिल्डिंग के मलबे से 2 और लोगों को गंभीर हालत में लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 1 की गंभीर स्थिति को देखते हुए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं दर्दनाक हादसे में आज सरोजनी नगर पुलिस की ओर से भवन स्वामी राकेश सिंघल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भवन स्वामी पर आरोप है कि बिल्डिंग निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था, जिससे बिल्डिंग बहुत कम समय में जर्जर होने लगी थी। बिल्डिंग में कई जगह दरारें पड़ने की सूचना वहां के वर्करों द्वारा भवन स्वामी को दी गई थी, किंतु उन्होंने अपने लाभ के चक्कर में वहां काम करने वाले लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया था। भवन स्वामी राकेश सिंघल द्वारा ना तो उसकी मरम्मत कराई गई और ना ही वहां काम करने वाले लोगों की कोई सुरक्षा का उपाय किया गया। इस हादसे दर्दनाक हादसे में पुलिस ने 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार भवन स्वामी राकेश सिंघल को ठहराया है। विनीत कश्यप, कैसे क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ? अपने यहाँ बिल्डिंग गिर गई थी। आप किस तल पे थे? दूसरे फ्लोर पे। दूसरे फ्लोर पे क्या काम होता था? दवाई का। दवाई जी। और कौन से मालिक वहाँ के? दवाई के जो कारोबार करते थे जी, जो दवा का कारोबार करते थे, मालिक कौन थे? नहीं मालिक। मालिक नाम बताओ, नाम बताओ। कुमती यहाँ ओपी। तो फिर आपको फिर वहाँ कितने संख्या में लोग काम करते थे, कितने लोग थे लगभग वहाँ? बहुत लोग थे, 50-60 लोग होंगे। नीचे ऊपर मिला के। शेर बहादुर सिंह। शेर बहादुर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं आप? उन्नाव। आप भी वहाँ दवा कंपनी में काम कर रहे थे? हाँ। सेकंड फ्लोर पे। हाँ। वहाँ कितने लोग काम कर रहे थे? वहाँ 20-25 लोग थे। अच्छा, तो आप लोग के साथ कितने लोग घायल हुए लगभग? अरे हमारे लोग सब लोग हैं, एक लोग मिले नहीं, हमारे भाई हैं वो मिले नहीं। भाई नहीं मिले? अभी नहीं मिले। अच्छा, बिल्डिंग जब गिरी थी तो क्या कोई आवाज़ घुमाता या कुछ ऐसा हुआ? कुछ नहीं हुआ था, एक अचानक गिर गई। हाँ। तो फिर कैसे आप लोग बच्चे अंदर कैसे दब गए थे? नहीं, बाहर हम लोग बाहर खड़े थे, निकल रहे थे। हाँ, तो एकदम से भागे, पत्थर ईंटा गेट वेट सब लगा है पीठी में, यही सब है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।